भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अमल किया जा सकता है, इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम में युवाओं को मौका दे सकते हैं। साथ ही वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। नई टीम में काफी बदलाव होने की संभावना है, इसमें युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगा। साथ ही जो नेता संगठन में काम करेंगे वह सरकार में शामिल नहीं होंगे, ऐसे में कुछ नेताओं को संगठन से सरकार में भेजा जा सकता है और कुछ नेता सरकार से संगठन में भी आएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी की कमान संभाले करीब 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी टीम सामने नहीं आई है। इसकी एक वजह कोरोना रहा, जिसने सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। अब संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तेजी लाई जा रही है। पार्टी के उच्च पद सूत्र के अनुसार राष्ट्रीय टीम का खाका तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ नया केंद्रीय संसदीय बोर्ड और कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। संकेत है कि संगठन में संविधान के अनुसार पद भरे जाएंगे। इस बारे में स्थिति साफ नहीं है कि पदाधिकारियों में 33% महिलाओं को शामिल किया जाएगा या नहीं। हालांकि यह बात साफ कर दी गई है कि संगठन के पास कई युवा नेता है और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंगलवार को पहली बार माना कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई, उन्हें संक्रमण का खतरा सताने लगा। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह वायरस हवा में अस्थायी तौर पर मौजूद रहता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वायरस हर जगह पहुंच रहा है और हर किसी को संक्रमित कर देगा। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि अब तक के दावे से पता चलता है कि यह 5 माइक्रोन से कम आकार की बूंदों में हवा में इधर उधर जा सकता है और बड़ी बूंदों के रूप में यह कुछ ही मिनटों तक हवा में रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बोलता या सांस लेता तो कुछ ड्रॉपलेट हवा में जाते हैं और कुछ समय तक बने रहते हैं, इसलिए लोगों को लंबे समय तक मास्क पहनने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, कुछ संशोधनों को छोड़कर दिशा निर्देशों में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। वायरस सभी जगह उड़ रहा है और यह सभी को संक्रमित कर देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को अधिक समय तक मास्क पहनना चाहिए, वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसी अन्य सावधानी बरतना जारी रखना चाहिए। भारत सीमा पर तनाव कम करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ चीन की कूटनीतिक घेरेबंदी जारी रखेगा। व्यापार के मोर्चे पर चीन का दबदबा कम करने के लिए उठाए गए कदमों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। रणनीतिक स्तर पर चीन के हर कदम की व्यापक समीक्षा के बाद जवाबी कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि कूटनीतिक स्तर पर बनाए गए दबाव के चलते ही चीन फिलहाल कदम पीछे खींचने को मजबूर हुआ है। अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से भारत को सीमा तनाव मुद्दे पर समर्थन मिला। इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार भारत से खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है। चीन केंद्रित खुफिया सूचनाओं का नेटवर्क भी कम कर रहा है, इसके जरिए सीमा पर हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने में देशों के बीच सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। तनाव के बीच एशियन देशों की ओर से भी चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ बयान सामने आए। कोविड पर पहले ही घिरे चीन के खिलाफ हांगकांग मुद्दे पर कई देश मुखर गए। भारत ने भी पहली बार हांगकांग के मसले पर खुलकर बयान दिया। फरीदाबाद में मंगलवार को पुलिस के हाथ से विकास दुबे के फिसलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। विकास दुबे फरीदाबाद से मध्य प्रदेश या नेपाल भागने की फिराक में हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के अलावा उत्तराखंड व नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन में जहां बुधवार तड़के विकास का करीबी अमर दुबे पुलिस मुठभेड़ में हमीरपुर में मार गिराया गया, वहीं कानपुर के चौबेपुर में एक और हमलावर को मुठभेड़ में दबोच लिया गया। इसके अलावा फरीदाबाद से 3 को गिरफ्तार किया गया है। देर शाम कानपुर में भी ताबड़तोड़ दबिश कर पुलिस ने संजू दुबे सहित कई को दबोच लिया। संदिग्ध भूमिका के कारण निलंबित चल रहे चौबेपुर SO और एक SI को भी गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर पर इनाम बढ़ाकर 2.5 से 5 लाख रुपए कर दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह हमीरपुर के मौदहा में विकास का करीबी सहयोगी 5,000 का इनामी अमर दुबे STF व स्थानीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक शलोक कुमार के मुताबिक मुखबिर के सूचना पर STF और स्थानीय पुलिस ने अमर को घेर लिया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोलीबारी कर दी, जिसमें मौदहा के इंस्पेक्टर और STF का एक कांस्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में अमर को गोलियां लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अमर विकास दुबे गैंग का 3रा सदस्य है जो मुठभेड़ में मार गिराया है।
भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा कि उस मामले को अधिकारियों के आगे उठाया है जिसमें कोरोना के चलते छात्र वीजा की आवश्यकताओं में संशोधन की घोषणा की गई है। दूतावास ने कहा कि नए संशोधनों से देश में अपनी पढ़ाई करने के इच्छुक कुछ भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि नए संशोधन ऐसे समय में है जब अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करना बाकी है। अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के लिए इच्छुक कुछ भारतीय छात्रों के लिए कठिनाइयों की संभावना है। 7 जुलाई 2020 को आयोजित भारत यूएसए विदेश कार्यालय परामर्श में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस मामले पर हमारी चिंताओं को राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव डेविड हेल के आगे रखा था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।